Oh my God. Oh my God. आज विज्ञान ने भले ही कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज भी नहीं सुलझा पाए। इन रहस्यों के पीछे की वजह या तो अज्ञात है या फिर वैज्ञानिकों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए अक्सर इन्हें कुदरत का खेल बताकर टाल दिया जाता है। नेचुरल फिनोमिना पार्ट 2 के इस वीडियो में हम आपको धरती के कुछ ऐसे ही प्राकृतिक रहस्य दिखाने जा रहे हैं जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। मुमकिन है कि आपको इन पर यकीन भी ना हो, लेकिन ये रहस्य 100% सच हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, नेचुरल फिनोमिना पार्ट 2। टोक्यो से करीब 100 किलोमीटर दूर होंशु द्वीप पर जापान का सबसे ऊंचा एक पहाड़ है माउंट फूजी, जिसकी खासियत है इसके ऊपर घूमते ये उड़न तश्री नुमा बादल। ये नजारा दिखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही हैरान भी करता है। लेकिन आपको बता दें कि माउंट फूजी के ऊपर ऐसे बादलों का बनना एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है। दरअसल जब हवा स्थिर होती है तो इस माउंटेन के ऊपर बादल उड़न तश्री का आकार लेकर घूमने लगते हैं। इस नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए हर गर्मियों में सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। वैसे एक अरसे पहले माउंट फूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी था जो 1707 के बाद से निष्क्रिय पड़ा है। अब यह साल के 5 महीने बर्फ से ढका रहता है। जापानियों की इसके साथ पवित्र भावनाएं भी जुड़ी है। वैसे आदर पूर्वक फूजी सान या फूजी यामा के नाम से बुलाते हैं। क्या आपने कभी सितारों की तरह चमकने वाला समंदर देखा है? अगर नहीं देखा तो मालदीव्स के मुद्दू द्वीप पर बने ग्लोइंग बीच को देख सकते हैं, जहां समंदर का किनारा हलचल होने पर सितारों की तरह चमकने लगता है। अगर आप पानी में हाथ डालकर वापस निकालते हैं तो भी हाथ पर रोशनी के किरचों को बिखरते हुए महसूस करेंगे, और अगर इसके किनारों पर चहलकदमी करेंगे तो लगेगा कि आप सितारों पर चल रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दरअसल यह प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे बायोल्यूमिनेंस कहा जाता है, जो बैक्टीरिया, शैवाल, जेलीफिश, क्रस्टेशियन, शार्क और मछलियों समेत कई समुद्री जीवों में पाई जाती है और उनके शरीर में प्रकाश ऊर्जा पैदा करती है। बायोल्यूमिनेंस की वजह से समंदर में थोड़ी सी भी हलचल होने पर ये जीव चमकने लगते हैं। इस चमकते पानी को देखकर बड़े बड़े दंग रह जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के कारपेंट्रिया की खाड़ी में बरसात से पहले आसमान विचित्र बादलों से भर जाता है। ये बादल धरती से सिर्फ 100 से 500 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। इस तरह की घटना अमूमन सितंबर के अंत में और नवंबर की शुरुआत में होती है। चूंकि ये बादल मॉर्निंग के समय बनते हैं, इसलिए इन्हें मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड कहते हैं। आसमान में इनका नजारा इतना शानदार होता है कि देखने वाले देखते रह जाएं। दोस्तों, मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड का बनना एक प्राकृतिक दुर्लभ घटना है जिसके पीछे की वजह वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाए। ऐसा ही एक रहस्य पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान में भी है, जिसे डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। डेथ वैली की संरचना और तापमान सबको चौंकाता ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाते हैं यहाँ के अपने आप खिसकने वाले पत्थर, जिन्हें सेलिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। कैलिफोर्निया के रेस ट्रैक में मौजूद 320 किलोग्राम तक के पत्थर अपने आप खिसक कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। रेस ट्रैक प्याला 2.5 मील उत्तर से दक्षिण और 1.25 मील पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल सपाट है। बावजूद इसके यहाँ के पत्थर खिसकते रहते हैं। इस इलाके में ऐसे 150 से ज्यादा पत्थर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई थी। टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप का नामकरण कर उस पर 7 साल तक रिसर्च किया। इस दौरान कैरिन नाम का 317 किलो का पत्थर जरा सा भी नहीं खिसका। लेकिन कुछ साल बाद जब वैज्ञानिक वापस लौटे तो उन्होंने उस पत्थर को 1 किलोमीटर दूर पाया। तब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण हो सकता है। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिक
इस तर्क से जरा भी सहमत नहीं है। खैर, पत्थरों के अपने आप खिसकने की यह रहस्यमयी घटना अपने आप में एक पहेली है, जिसके बारे में वैज्ञानिक भी अब रिसर्च कर करके थक चुके हैं। चीन के मोहे शहर में अक्टूबर 2020 को ऐसी एक घटना घटी जिसे खुली आंखों से देखने के बावजूद लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। दरअसल 17 अक्टूबर के दिन यहां के वाशिंदों को आसमान में एक की जगह तीन तीन सूरज दिखाई दिए। यह दुर्लभ घटना करीब 3 घंटे तक दिखती रही, जिसे कई लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। बाद में जब इस पर रिसर्च हुआ तो मालूम चला कि ऐसा सन डॉग नाम की दुर्लभ घटना की वजह से हुआ है। सन डॉग तब होता है जब पृथ्वी के वातावरण में बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं, जो सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं और चमकते हुए सूरज की तरह दिखाई देते हैं। यही वजह थी कि लोगों को यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन सूरज दिखाई दिए। दोस्तों, आपके लिए वीडियो बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है। आप हमारे वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपना प्यार जता सकते हैं। आपका यही प्यार तो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 2000 लाइक्स मिले। अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक्स मिलते हैं तो हम इस सीरीज का तीसरा वीडियो भी बहुत जल्द बना देंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बेरिंसा नाम की झील का यह सिंक होल सबके लिए हैरत का विषय है। इसे देखने वाला इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर झील के बीचों बीच ये गड्ढा कैसे बन गया और इसमें समा रहा पानी आखिर कहाँ जा रहा है। आप कुछ और दिमाग लगाएं, इससे पहले आपको बता दें कि इस होल का नाम ग्लोरी होल है। दरअसल बरसात के दिनों में बेरिंसा झील का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है। ऐसे में बाढ़ जैसे हालात से बचने के लिए इंजीनियर्स ने 72 फीट चौड़ा एक होल बनाया ताकि पानी को यहाँ से दूसरी तरफ पहुँचाया जा सके। हालांकि ग्लोरी होल को खोदने की नौबत कई बरसों में एक बार आती है, लेकिन इसका नज़ारा इतना दिलचस्प होता है कि देखने के लिए हजारों लोग यहां पहुंच जाते हैं। केन्या के नैरोबी नारोक हाईवे के पास कई किलोमीटर लंबी दरार सबकी हैरानी का विषय बनी हुई है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक हाल ही में यहां धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई थी, जिसके बाद सिर्फ 10 दिनों के अंदर 60 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी दरार बन गई, जो आज भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये दरार अफ्रीकी महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांट देगी। ये घटना यकीन के परे लग रही होगी, लेकिन 100% सच है। कोई आपसे कहे कि बर्फ में आग लगती है तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको वो नजारा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा। कनाडा में जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो बर्फीली जगहों पर बर्फ जम जाती है। कई बार उस बर्फ में मीथेन गैस भी एक बबल के रूप में जम जाती है, जिसे मीथेन बबल कहा जाता है। इसकी पहचान आप भी कर सकते हैं। जमी हुई बर्फ में गोल सर्किल नुमा आकृति हो तो यहाँ मीथेन मौजूद होती है। बहरहाल, ये बबल दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब इस बर्फीले बबल को फोड़कर उसमें आग लगाई जाती है तो वो आग पकड़ लेता है और ये तब तक जलता रहता है जब तक कि उसमें मौजूद गैस खत्म नहीं हो जाती। नदी के बीचों बीच बर्फ की करीब 100 मीटर बड़ी गोल डिस्क देखकर आप सोच रहे होंगे कि भला ये क्या है। तो आपको बता दें कि ये बर्फ की एक विशाल डिस्क है जो अमेरिका के बेस्ट ब्रुक शहर की प्रिस्कॉट नदी पर बनी है। दरअसल कड़कड़ाती ठंड के दिनों में जब पानी का बहाव बेहद धीमा होता है तो पानी जमने लगता है। इस दौरान नदी में भंवर बनने पर बर्फ की ऐसी डिस्क बन जाती है। अब जब नदी में ज्यादा तापमान वाले पानी का प्रवाह बढ़ता है तो ये तेजी से घूमने लगती है। कई बार लोग इस बर्फीली डिस्क पर फोटोग्राफी का भी आनंद लेते हैं। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। गल्फ ऑफ अलास्का में दो समुद्र का मिलन किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। इन दोनों समुद्र में एक का पानी ब्लू रंग का है तो दूसरे का डस्टी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दोनों समुद्र का पानी कभी आपस में मिक्स ही नहीं होता। ये दोनों समुद्र
चाहे कितने ही तेज बहाव से टकराएं, दोनों का पानी कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलता। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा दोनों समुद्र के पानी में नमक की मात्रा और अलग अलग टेम्परेचर के कारण होता है। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्क शहर में द पेट्रीफाइंग वेल नाम की एक गुफा है। इस रहस्यमय गुफा के बाहर कोई भी चीज रखने पर वो पत्थर की बुत बन जाती है। कुछ लोग तो इसकी सच्चाई पता करने के लिए इसके बाहर कुछ चीजें लटका कर छोड़ जाते हैं और वापस लौटने पर उन्हें वो चीजें पत्थर में तब्दील हुई मिलती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि इस गुफा के बाहर बहते इस पानी में खास किस्म के मिनरल्स हैं जो चीजों को धीरे धीरे पत्थर बना देते हैं। भारत के लेह लद्दाख क्षेत्र में एक ऐसी पहाड़ी जगह है जहां चीजें नीचे की ओर जाने की बजाय ऊपर की ओर खींची चली जाती है। यह पहाड़ी लेह में स्थित है, जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ को मिस्ट्री हिल या फिर ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ आपकी गाड़ी बिना ड्राइवर और बिना तेल के चल पड़ेगी। ये जगह नीवी है, जबकि पीछे वाली साइड है जड़ी, ये बहुत ज्यादा ऊंची है। उसी मैग्नेटिक हिल देख रहे हो पीछे, गड्डी न्यूट्रल है, देखो कोई गियर नहीं, ते अपने आप गड्डी खिंच रहा है, वो पीछे मैग्नेटिक हिल तो हम दिखाई दे रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मैग्नेटिक हिल के पीछे दो सिद्धांत है। पहला मैग्नेटिक फोर्स का सिद्धांत और दूसरा ऑप्टिकल इल्यूजन का सिद्धांत। लेकिन उनकी ऐसी कई थ्योरीज के बावजूद मैग्नेटिक हिल एक अबूझ पहेली है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की वो प्राकृतिक घटनाएं जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। आपने भी कोई ऐसी अनोखी प्राकृतिक घटनाएं कभी देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।